नमस्ते। आज हम लोग क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, मतलब लॉक्ड रोटर एम्पियर से रेड लोड एम्पियर कैसे जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसका पहले लॉक्ड रोटर एम्पियर मतलब क्या, वो लॉक्ड रोटर एम्पियर से जो टर्नेज कैसे कैलकुलेट करना वो आपको मालूम नहीं तो मैं उसका बारे में एक वीडियो तो डाला है, पहले तो डाला हुआ, वो थोड़ा आप जाके चेक करो, ठीक है। अभी चलेंगे उसका उसका पहले आर एल ए मतलब क्या है, आर एल ए मतलब क्या, रेटेड लोड एम्पियर अदरवाइज रनिंग लोड एम्पियर अदरवाइज फुल लोड एम्पियर, तीनों एक ही नेम है, तीनों एक ही नेम है। हम लोग को आदमी लोग को जो यूज करता है कोई भी जगह पे फुल लोड एम्पियर नहीं तो रेटेड लोड एम्पियर रनिंग लोड एम्पियर कोई भी यूज करता है, ठीक है। लेकिन सभी तो एक ही है। उसका मतलब क्या, आप एक इक्विपमेंट मान लीजिए, वो इक्विपमेंट में 0% मतलब 0% में इतना करंट ले रहा है, फिर 10% में, 20% में, 100% में जो कितना जो ले सकता है वही रेड लोड एम्पियर्स है। अभी एक मोटर ले लो, एक मोटर 100% में 5 amps लेगा तो 5 amps है बस, उसका ऊपर तो नहीं जाएगा। वो क्या, उसका ऊपर तो जाएगा लेकिन वो उसका क्या है, उसका रोटर लॉक होने से वो जाएगा, ठीक है। वो जो 100 amps में जो amps जो आता है ना वो रेड लोड एम्पियर है, ठीक है। फिर लॉक्ड रोटर एम्पियर का बारे में मैं तो पहले डाला लेकिन वो जो डेफिनेशन बोलता हूँ, इज द मैक्सिमम करंट रन बाय द मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टअप, मतलब जो रोटर तो नहीं दो चालू होने के लिए जो रोटेट करता है ना उस टाइम में जो करंट को खींचेगा वही लॉक्ड रोटर एम्पियर है, ठीक है। जो उसका जनरली क्या है, इसका दोनों का रिलेशन क्या है, लॉक्ड रोटर एम्पियर से रेड लोड एम्पियर को 5 to 7 times ऑफ दी करंट जो रहेगा। अभी आपको रेड लोड एम्पियर दिया है, उसका लॉक्ड रोटर एम्पियर आप लोग को फाइंड आउट करने से 7 times में मल्टीप्लाई करने से आपको लॉक्ड रोटर एम्पियर आ जाएगा। अगर ये देने से आप क्या करना, डिवाइड बाय 7 करना है, बस उतना ही, इसका दोनों रिलेशन उतना ही है, ठीक है। ये तो कभी भी इंटरव्यू में पूछेगा, नहीं तो कभी भी आप लोग को भी रेडर को एक कंप्रेसर में जो लॉक्ड रोटर एम्पियर दिया उसका रेडर एम्प्स क्या बोल के आपको मालूम है, डिवाइड बाय 7 करो आपको रेडर लोड एम्पियर उसमें आ जाएगा। वो चलेंगे अभी वीडियो में। सो आर एल आर ए से आर एल एल आर ए का लॉक्ड रोटर एम्पियर वो जो फुल फॉर्म है, फिर एल आर ए का रेटेड लोड एम्पियर और रनिंग लोड एम्पियर अदरवाइज फुल लोड एम्पियर में तो बोला तीनों एक ही बोल के, ठीक है। फिर आप मान लीजिए ये तो ये ना, इसका दोनों का रिलेशन 5 to 7 times ऑफ द रेटेड लोड एम्पियर। अब मान लीजिए 70 एल आर ए दिया है, उसका डिवाइडेड बाई उसका भाग देना, 7 से भाग देना, ठीक है, भाग देना, उसको क्या आ जाएगा, 10 amps आ जाएगा। ये 10 amps क्या है, इसका इक्विपमेंट का रेटेड लोड एम्पियर। 77 एल आर ए दिया है, उसका 7 में भाग देने से आपको कितना आ जाता है, 11 एम्पियर आ जाता है। सो इसका दोनों का रिलेशन क्या, इंटू 7, मतलब ये तो दिया आपको ये मालूम होना चाहिए तो डिवाइड बाई 7 करना, अगर ये दिया है ये आपको मालूम है तो फाइंड आउट करना है, इंटू 7 करना है, वो इसका दोनों का रिलेशन वही है, ठीक है। सो मैं तो मानता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा तो आपका आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपका फ्रेंड लोग को शेयर कर लो। आपका दूसरा कुछ डाउट है, नहीं तो कोई नया टॉपिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका बारे में मैं वीडियो डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।